हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज मेरे पास एक टीवी आया है, ये आप देख सकते हैं, ये टीवी है वीडियोकॉन का, और वीडियोकॉन का 14 इंच का टीवी है। और ये भाई साहब हैं जो हमारे लेकर के आए हैं दुकान पे। इन्होंने किसी दुकानदार से ये टीवी लिए सेकंड हैंड। हालांकि ये अपना टीवी लेकर के गए रिपेयरिंग करवाने के लिए, तो उन्होंने जो है अपना टीवी, इनका टीवी तो रिपेयर नहीं कर पाया, पर साथ ही साथ जो है 200-400 रुपया और 500 रुपया और लेकर के इनको ये टीवी चिपका दिया। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ सभी मैकेनिक के लिए कि जो भी इस तरह से काम करते हैं, कृपया बंद करें। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना तो वो हमारा घर गृहस्थी का बात होता है, किसी चीज का जो है हम मुआवजा लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो हमारे काम से प्यार होता है ना, वो काम से प्यार भी होना चाहिए। लेकिन जो ये मिस्त्री काम करके रखे हैं, एक तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये चाइना सप्लाई लगा है, ये भी रॉन्ग नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सप्लाई काम नहीं किया, उन्होंने चाइना सप्लाई लगा दिया। लेकिन जो इन्होंने जो है ये ब्यू ट्रांजिस्टर लगाए हैं, इनका भी ये देखिए हीट सिंक जो है ऊपर साइड में जो है ये ब्यू ट्रांजिस्टर सेट करके और इसका वायरिंग कर दिए हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं, ठीक है, ये किट में है। लेकिन आप ये योग का जो सप्लाई दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये पीछे साइड से जो है ज्वाइंट कर रखे हैं। चलिए इसको भी हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये किट का हालत कर रखे हैं उन्होंने, आप गौर से देख सकते हैं। तो अभी ये टीवी जो आया है मेरे पास में, ये बंद है। और जो आखिरी में लास्ट में मैं दिखाना चाहता हूं उनकी कारीगरी, हमारे ब्रदर जो कोई भी मैकेनिक इनको बनाए और बना करके दिए हैं, उनका काम आखिरी कार में लास्ट में हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए ईएसटी कैप जो है, जो कि कितना मायने रखता है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिक को जो है बखूबी पता होना चाहिए। कस्टमर को पता हो ना हो, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए। लेकिन उनको पता, मैकेनिक हैं, दुकान खोल रखे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस तरह से अगर हम कस्टमर को देते हैं तो कभी भी हमारे घर में, कस्टमर के घर में आग लग सकती है और टीवी जल के राख हो जाएगी और सारा सामान उनका जो है नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। क्योंकि यहाँ का वोल्टेज क्या होता है वो सभी को पता है, 11,000 वोल्ट जो है पिक्चर ट्यूब में जाता है इस ईएसटी कैप के द्वारा, वायर के द्वारा। तो इन्होंने जो भी है काम करके दिए हैं कस्टमर को, ये हमारे भाई साहब बैठे हैं। अब इन्होंने 2-3 महीने जब ये टीवी को चलाए इस सिचुएशन में, तो टीवी बंद हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है, और इसको मैं जो बनाऊंगा, मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि पैसा लेना ना लेना वो तो अलग बात है, लेकिन काम का जो थोड़ा सा तरीका है वो सही होना चाहिए। क्योंकि काम से हम प्यार करेंगे तभी हमारा जो है ये बाबा विश्वकर्मा हुनर हमारे बख्शेंगे, नहीं तो ये हुनर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो चलिए मैं टीवी को अभी सप्लाई देता हूं और आपको दिखाता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैंने स्विच ऑन कर दिया है और ये प्रीसेट से इसका जो है ऑन किया मैंने, टीवी ऑन नहीं हुआ है। और अब मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कहां है, सप्लाई का क्या सिचुएशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं किसी भी मिस्त्री से, जो मतलब जो इस तरह से काम करते हैं, प्लीज उस काम को थोड़ा सा क्लीनिंग करें, क्योंकि क्लीन करके काम करना और अपने काम से प्यार करना जरूरी होता है इस लाइन में। जो इस चीज को नहीं निभाते हैं वो धीरे धीरे उनका हुनर जो है लुप्त हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कस्टमर को क्या पता टीवी के अंदर में वो क्या देख, क्या बांध के कैसे करके दिए हैं, लेकिन हम मिस्त्री को तो पता रहता है, इसलिए ये कोई खेल नहीं है, इस तरह से काम ना करें। चलिए मैं मल्टीमीटर को जो है 250 वोल्ट, डीसी 250 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है, और एक बार 110 वोल्ट का सप्लाई मैं चेक कर रहा हूँ। एक प्रोड मैंने सीआरटी का जो है अर्थ में लगा दिया, और दूसरा प्रोड मेरा जो है ये देख सकते हैं आप, जो ट्रांसफार्मर से इन आउट करता है सप्लाई, वो मेरा 110 वोल्ट आउट कर रहा है, और जो मेरा ब्यू ट्रांजिस्टर पे ईएसटी के पास सप्लाई आना चाहिए वो बंद है, ईएसटी के पास सप्लाई नहीं आ रहा है,
जीएसटी के, इन पे भी सप्लाई नहीं आ रहा है दोस्तों। और अब मैं दिखाता हूं आपको आखिर ये सप्लाई कहां से डिस्कनेक्ट है। ये देखिए जहां पे आ रहा है सप्लाई, यहां पे नहीं आ रहा है। तो ये जो बीच में इसका रेजिस्टेंस लगा है एक, ये रेजिस्टेंस फेल कर रखा है। तो मैं रेजिस्टेंस पहले लगाता हूं और उसके बाद मैं देखता हूं कि ये टीवी मेरा ऑन हुआ कि नहीं। और टीवी जब मेरा ऑन हो जाएगा दोस्तों, मैं सभी वायरिंग को सुधारूंगा और जीएसटी टैप भी लगाऊंगा। मुझे शक है कि अगर इस तरह से ये शॉर्टेज हुआ है और जैसे जीएसटी कैप इन्होंने नहीं लगा रखे हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा जीएसटी भी खराब हो सकता है। तो पहले हमें इसका रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि सप्लाई जीएसटी के ऊपर जाएगा, उसके बाद ही हम आगे का प्रॉब्लम चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के द्वारा हमारा जीएसटी पे 110 वोल्ट जाता है। ये रेजिस्टेंस हमारा फेल कर रखा है, तो उसको मैं चेंज करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं ये रेजिस्टेंस एक बार लगाता हूं इसमें और देखता हूं जो इसका जीएसटी है वो बना कि नहीं। दोस्तों इसका मतलब जो है ये जीएसटी इसका खराब है, इस वजह से जो है ये हमारा ये भी रेजिस्टेंस जल गया। अब दो चीज है वहां, एक जीएसटी है और एक ब्यू ट्रांजिस्टर है। तो मुझे ब्यू ट्रांजिस्टर और जीएसटी दोनों को देखना पड़ेगा। पहले ब्यू ट्रांजिस्टर हम चेक करते हैं। ब्यू ट्रांजिस्टर जो चेक करेंगे, अभी मैंने सप्लाई ऑफ कर दिया है और इसका देख सकते हैं उल्टा सीधा दोनों में जो है मीटर शो कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ब्यू ट्रांजिस्टर खराब है। तो ब्यू ट्रांजिस्टर को हमें खोलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको निकाल लिया है, इसमें 1803 का ब्यू लगा हुआ है और एक बार फिर से मल्टीमीटर से मैं ये चेक कर लेता हूं जो शॉर्टेज था वो अभी भी है या नहीं है। तो देखिए शॉर्टेज बंद हो गया। शॉर्टेज तो बंद हो गया है दोस्तों। और अब मैं इसमें ब्यू ट्रांजिस्टर लगाऊंगा।
वहीं रखो, अभी बन जाएगी, अभी ना बने, छोड़ना पड़ेगा, कल मिलेगा। थोड़ा बहुत मोटा मोटा पता लग जाता। मोटा मोटा क्या पता लगेगा, छोटा पता ही नहीं लग। हाँ, कितना खर्चा आ जाएगा, कितना नहीं आएगा। नीचे रखो, नंबर लिख लो। दोस्तों, मैंने इसमें ब्यू ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों लगा दिया है, लेकिन अब मैं इसमें रिक्स नहीं उठाऊंगा। इसके लिए मुझे 100 वाट का बल्ब जो है फ्यूज पे बांधना पड़ेगा, जो कि आपको पता ही है कि मैं कई वीडियो में बता रखा हूँ, सीरीज में डालने के बाद काम करने में जो है डर नहीं रहता, नहीं तो ये रहता है कि जो हमारा सामान लगाया मैंने वो भी खराब हो जाएगा। इसके लिए मुझे ये 100 वाट के बल्ब का दोनों सिरा जो है फ्यूज के सतह पे बांध देना है, उसके बाद हम इसमें सप्लाई देते हैं और फिर देखते हैं कि ESD ऑन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, मेरा ESD में प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ना ये ऑन नहीं हो रहा है, ऑन होने को जा रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो ये मानते हैं कि सीरीज में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको ESD ऑन होना चाहिए। ESD ऑन होकर के ऑटो कट लेगा तो वो बात अलग है, लेकिन अगर ESD ऑन नहीं हो रही है तो इसका मतलब मुझे ये ESD चेंज करना पड़ेगा। इसका हालत आप देख ही सकते हैं किस तरह से इसका हालत हो रखा है। ये शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन ये देखिए, ये ज्यादातर कारण ये हुआ है ESD फूकने का, जो इसका जो ये ओपन रहा, ESD कैप नहीं लगाया गया, इस वजह से जो है इसका सप्लाई जो है बाईपास हुआ है इधर उधर, तो इस वजह से ये शॉर्टेज हुआ है। ESD शॉर्ट हुआ, ये ब्यू ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हुआ, तो मैंने सारा कुछ लगा दिया। अभी अगर मैं सीरीज हटा करके डायरेक्ट में डालूंगा तो ये ब्यू ट्रांजिस्टर मेरा खराब हो जाएगा और रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा। उससे पहले मुझे ESD को चेंज करना पड़ेगा, तभी जा करके मैं इसको ऑन कर पाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने इसका ESD निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं, इसका ESD मैंने निकाल लिया है। और जो मैं इसमें ESD लगाऊंगा उसके लिए मुझे कन्फ्यूजन है। ये मैंने ESD निकाला है इसका, जो आपको बताया था, दिखाया था मैंने कि ये इसका जो है इस तरह से कैप नहीं था, और इसमें क्या है स्टिकर भी नहीं है, जो इसमें मैं कौन सा नंबर का लगाऊं मुझे इसका भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने नया तो मेरे पास नहीं था, पुराना मेरे पास एक मिला है, तो मैं इसको
किस बेस पे लगाऊंगा मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ईएसटी जो अगर सेम नंबर का ना मिले या नंबर खो जाए उसके लिए यही रास्ता है कि सबसे पहले हम इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मीटर को मैंने डायरेक्ट पे लगा दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और कंटिन्यूटी हम इस प्रकार चेक करेंगे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पिन है। तो पहला पिन पे हम एक प्रॉड रखेंगे, दूसरा प्रॉड दूसरे पे, तीसरे पे मीटर शो कर रहा है, दूसरे पे कर रहा है, तीसरे पे कर रहा है, चौथे पे नहीं कर रहा है, पांचवे पे नहीं कर रहा है, छठे पे कर रहा है, सातवें पे नहीं कर रहा, आठवें पे नहीं कर रहा है, नौवें पे नहीं, दसवें पे नहीं, यानी 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3, 6 पे कर रहा है। तो इस हिसाब से दूसरा वाला ईएसटी जो है, जो मैंने लिया है, इसका नंबर है दोस्तों 01N4028Q। तो ये नंबर है इसका, और इसको मैं चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूटी सेम उसी तरह जैसे मैंने उसको चेक किया। तो ये आप देख सकते हैं, पहले पे लगाया, दूसरा उठा, तीसरा मीटर शो किया, चौथा नहीं किया, पांचवा नहीं किया और छठा पे किया। इसी तरह से फिर मैं चौथे पे लगाऊंगा, इस पे नहीं कर रहा है, चौथे के बाद पांचवें पे, छठे पे नहीं कर रहा, सातवें पे नहीं कर रहा, आठवें पे, नौवें पे, दसवें पे नहीं कर रहा। तो इसी तरह से मैंने कंटिन्यूटी दोनों का मिला लिया है, सेम नंबर का है। कंटिन्यूटी मिलाने से मुझे पता चल गया, तो मैं इस ईएसटी के जगह पे इसको लगाता हूँ और देखता हूँ जो मेरा टीवी का सिचुएशन कैसा है, ऑन हुआ कि नहीं हुआ। उससे पहले मैं आपको एक बार इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, जो मेरा वोल्टेज इस पे ड्रॉप कर रहा था। मैंने अभी योग का वायर निकाल दिया है, ये आप देख सकते हैं, और मेरा किट जो है अभी सीरीज में है, तो इस वजह से मैं इसमें बेझिझक सप्लाई दे सकता हूँ। तो सप्लाई दे करके इसका एक बार ईएसटी पे सप्लाई पहुंच रही है या नहीं, या फिर से ड्रॉप कर रहा है, वो मैं चेक कर ले रहा हूँ। पहले मेरा जब ईएसटी वो लगा हुआ था तो ईएसटी पे सप्लाई ड्रॉप कर रहा था, क्योंकि वो ईएसटी खराब था। मैंने सप्लाई दे दिया है और यहाँ से मैं प्रीसेट के द्वारा इसको ऑन कर देता हूँ, और मीटर को जो है 250 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। एक प्रॉड मैंने निगेटिव में लगा दिया पिक्चर ट्यूब में, और दूसरा प्रॉड लेकर के ये देखिए आप, अब कोई वोल्टेज नहीं दबा रहा इसका। यहाँ पे मैंने जो ईएसटी पे इन करता है सप्लाई, ये सप्लाई इन कर रहा है। तो अब मुझे लगता है जो ईएसटी लगाने के बाद में मेरा टीवी ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए फटाफट ईएसटी लगाते हैं, उसके बाद में देखते हैं। चलिए दोस्तों एक बार मैं सीरीज में ही इसको ऑन करके देखता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा बल्ब जो है हल्का रोशनी में जला, इसका मतलब मेरा टीवी ऑन हो चुका है। मैं एक बार आगे तरफ से आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं।
ऑफ कर दिया मैंने, ऑन किया है। ऑन करने के बाद मैं प्रीसेट से ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं टीवी मेरा ऑन हो गया है। अब है कि जो योक का वायर मैंने खोल रखा है, तो योक का वायर जब लगा दूंगा तो मेरा टीवी फुल ओके हो जाएगा। तो इसमें जो प्रॉब्लम मेन था, ESD खराब था और ब्यू ट्रांजिस्टर खराब था और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जला हुआ था। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसमें मिस्त्री ने अपना थोड़ा सा काम गलत कर रखा था, उसको मैं सुधारूंगा। तो वो थोड़ा सा उसमें जो है मुझे हर सामान को ढूंढ के लगाना पड़ेगा सही ढंग से। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, ये एक इसका कनेक्टर नहीं लगा रखा है योक का, तो योक का कनेक्टर लगा करके यहाँ पे मैं ये कनेक्टर करूँगा। उसके बाद में मुझे ये साउंड सेक्शन का जो है, ये आप देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटर फुला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको भी दोनों को मैं चेंज करूँगा। तो इस तरह से जो है इसमें कुछ काम और बाकी है, तो जो छोटा मोटा काम है वो सब मैं कर लूँगा और टीवी मेरा ओके हो जाएगा। मेन जो मेरा प्रॉब्लम था टीवी ऑन का, वो मेरा टीवी ऑन हो चुका है। तो अब मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट भी लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार आपके सामने मैं डायरेक्ट में भी लगा करके दिखाता हूँ सीरीज हटा करके। और उसके बाद का जो काम है मैं उसका आपको नहीं दिखाऊंगा, और वो मैं क्योंकि ज़्यादा इसमें जो ये सब काम करूंगा उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेन जो इसमें प्रॉब्लम था और जिसमें कुछ जानकारी मिलना था, वो जानकारी का काम हो चुका है। रही बात अब फिनिशिंग का, तो फिनिशिंग का काम मैं करके और एक बार मैं शॉर्ट वीडियो आपको दिखा दूंगा। वैसे ही काफी लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन अब अगर मैं इसको, क्योंकि मुझे योक का कनेक्टर ढूंढना पड़ेगा और वो कैपेसिटर वगैरह ढूंढ करके फिर लगाना पड़ेगा, तो ये सब मैं काम करके फुल टीवी ओके करके और फिर मैं आपको शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा। अभी मैं फ्यूज लगा दिया है इसमें और एक बार ऑन करके मैं दिखाता हूँ आपको। क्यों ना इसका एक योक का भी वायर मैं लगा ही दूं, उसके बाद मैं ऑन करके दिखाऊं, ताकि आपको भी कम्प्लीटली टीवी ओके दिख जाएगा। अभी जैसा उसने लगाया था वैसा ही लगा करके मैं इसको एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं इसको फिनिशिंग कर दूंगा। क्या पता योक में भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं योक का सप्लाई लगा दिया है और अब मैं एक बार टीवी ऑन करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मेरा टीवी फुल ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुकान में काम करने वाला कोई नहीं है, रोज कहता हूँ काम करके आओ, मगर तू मुफ्त का खा खा कर दोस्तों के साथ घूमते हो। कुर्ता पजामा शेरवानी जिंदाबानी सामने दुनवामने सामने बैठे जलसनी। अब तो आ चाची अमर अकेला छोड़ के ऊपर चला गई, तब से अकेले खेलने लगी। अच्छा अच्छा, एक बार पूछूं। पूछा कब शादी के दूसरा प्रस्ताव ना है ना? दूसरा या
भाई लोग बहुत दस्ताव भाई, लेकिन हम